हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो अभी मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता। अभी 11 बज रहे हैं और नाश्ता बनाने के बाद मैं फिर खाना बनाऊंगी। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ सूजी के उत्तपम। तो सिंपल सा नाश्ता है, इसमें मैंने शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डाली है, बाकी कुछ नहीं डाला। सिंपल नाश्ता है। तो पहले नाश्ता बनाएंगे और उसके बाद मुझे आज एक रेसिपी बनानी है। ये है मलका, जो मसूर की लाल दाल होती है वो छिलके वाली है। तो आज मैं इसकी नारियल वाली सब्जी बनाऊंगी, तो वो रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत अच्छी और बहुत ही डिफरेंस तरीके से बनती है और खाने में बहुत टेस्टी होती है। पराठा या रोटी के साथ खाओ। तो मैं आज आप लोगों के साथ ये वाली रेसिपी शेयर करूँगी, इसमें नारियल पड़ता है। तो आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। नाश्ता करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो मैं नाश्ता करने के बाद आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले कढ़ाई रखी है मैंने तेल गरम होने के लिए। जब तक तेल गरम होगा तो मैं अपने तब तक मसाले तैयार कर लूँगी, क्योंकि ये कढ़ाई थोड़ी भारी है तो तेल गरम देर से होता है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है, प्याज लिया है और नारियल लिया है। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है और खड़े मसाले में मैंने लिया है काली मिर्च, लौंग, ये बड़ी इलायची और दालचीनी। और इसमें खड़े मसाले नहीं पड़ेंगे, सारे एक साथ ही पीसने हैं। तो यहाँ पे ये नारियल भी ले लिया मैंने। अब ये सारी चीज़ें पीस लेंगे। गिलास छोटा था तो मैंने बड़े गिलास में कर लिया, क्योंकि नारियल पीसने के बाद थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे नमक डाला है और टमाटर कट करके रख लिए। टमाटर नहीं पीसने हैं, वो बाद में डालेंगे। और थोड़ा सा अदरक लहसुन, सारे मसाले इसी में डाल लूँगी। पिसे मसाले भी इसी में ही ऐड कर लूँगी मैं। तो पिसे मसाले में मैं लूँगी रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर और कलर वाली मिर्च लेंगे, रेड मिर्च जो कलर के लिए, और धनिया लेंगे। यहाँ पे हम सारी चीज़ें पीस लेंगे, बिल्कुल फाइन करके पीसेंगे इसको। खड़े मसाले कोई भी नहीं डालने। इसमें मेन जो फ्लेवर है वो नारियल का ही है। और ये हमारा यहाँ पे मसाला हो गया है। इधर कढ़ाई भी गर्म हो गई है और हम मसाला इसमें छोड़ देंगे। इसमें कोई तड़का नहीं लगाना, कोई गर्म मसाला खड़ा नहीं लगाना, सारे हमने इसी में ही पीस लिए हैं। और बस जो भी है मसाला ही देर तक भूनना है, काफ़ी धीरे धीरे भूनना है। मसाला भुनने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मसाला, नारियल, सारी चीज़ें मिक्स हैं तो थोड़ा टाइम लगता है भूनने में। तो मैं मसाला इसे अच्छी तरह से भूनूंगी, फिर टमाटर डालूंगी। और यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिए हैं और इनको मैं अच्छे से पकाऊंगी ढक ढक के 5 मिनट तक कम से कम इसको, जब तक टमाटर हमारे गल ना जाए। लगभग मसाला डन हो ही गया है हमारा, थोड़ा सा टाइम है। और हमने ये जो अंकुरित मसूर ली है वो डाल दी है। ये 2 दिन में भी उगाती है, कई बार अगर अच्छा इसके लिए गर्मी वगैरह मिले तो जल्दी भी उगाती है। मुझे 2 दिन लग जाते हैं। और मैंने एक आलू डाला है। आलू आपकी मर्जी है, आप डालो या ना डालो, वो तो ऑप्शन ही है। मुझे आलू पसंद है तो मैंने एक आलू डाला हुआ है। वैसे डलता है आलू, तो मैंने आलू डाला है। और इसको सिम गैस पे बनने देंगे, पानी ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बहुत कम लगाया है ना के बराबर, क्योंकि सूखी बनेगी सब्जी। और यहाँ पे जब तक मैं रोटी सेक लूँगी। सब्जी हमारी यहाँ पे हो चुकी है, ये देखिए इस तरीके से रहेगी। ना ज़्यादा सूखी रहेगी और ना ज़्यादा, मतलब ऐसी रहेगी, भुननी भी नहीं है एकदम सूखी करके, मतलब हल्की सी गीली गीली टाइप की रहेगी। ये हमारी मलका बन के तैयार हो गई है, ये देखिए। आप लोग ज़रूर बना के देखना। तो ये मलके वाली दाल नारियल डाल के जो बनाई थी वो हो गई है तैयार।
और इसके साथ रोटी खाऊंगी, रोटी या पराठा कुछ भी खाओ, दोनों चीजें अच्छी लगती है। इसके साथ चावल नहीं अच्छे लगते और एकदम ये सूखी बनती है। तो पहले लंच करूंगी फिर आप लोगों से मिलूंगी। तो लंच कर लिया मैंने और दाल बहुत अच्छी बनी हुई थी नारियल वाली, काफ़ी दिनों के बाद बनाई थी तो और ज़्यादा टेस्टी लगी खाने में। हमारे यहाँ कोई ये वाली दाल, वो जो पतली वाली बनती है, वो उस तरीके की कोई नहीं खाता है। और मैं नारियल डाल के बनाती हूँ तो बहुत ही टेस्टी अच्छी बनती है और सभी मन से खाते हैं। और इसमें मेन जो काम है वो नारियल का ही है, नारियल जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा टेस्ट आता है। आप इसे रोटी पराठा किसी भी चीज़ से ना खा के ऐसे ही आप रूखा भी खा सकते हो बिना रोटी पराठा के, तब भी बहुत यम्मी और टेस्टी लगती है। तो आप लोग एक बार ज़रूर बना के देखना। और ये वाली भी दाल मैंने अपनी बॉम्बे वाली दीदी से ही सीखी थी बनानी, वहाँ पे ही बनाते हैं। इस तरह की रेसिपी जो नारियल वाली अधिकतर होती है सारी साउथ इंडियन या मराठी या बॉम्बे के साइड में नारियल का ज़्यादा यूज होता है। नारियल और करी पत्ता तो उनके यहाँ बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा बनती हैं। तो मैंने कई चीज़ें जो वहाँ की डिशें होती हैं बनाई हैं, बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनती हैं। तो ये दाल की रेसिपी भी वह वहीं की है, तो मैंने वहीं से दीदी से सीखी है। और मैं हमेशा जब भी मेरे यहाँ ये मलका वाली दाल बनती है तो मैं ये नारियल वाली ही बनाती हूँ और बहुत टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनती है। तो रेसिपी मैंने शेयर कर दी है और आप लोग एक बार ज़रूर इसको बना के देखना। ऐसी जो रेसिपी होती हैं वो चैनल पर बहुत कम मिलती हैं देखने को, तो आप लोग ट्राई ज़रूर करना और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि हमारी दाल की रेसिपी आपको कैसी लगी। और आप लोग मेरे वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था मेरा एक सूट जो टेलर ने ख़राब कर दिया था। ख़राब क्या मतलब, अंदर मार्जिन नहीं दिया था, बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था। तो मैंने उसके अपनी छोटी वाली सिस्टर है उनकी बेटी की टॉप स्कर्ट बनाने के लिए, तो वो आज बन के तैयार हो गई है। बन तो उसी दिन गई थी लेकिन आधी अधूरी बनी हुई थी तो मैंने पूरी की। सुबह सबसे पहले नाश्ता हुआ, उसके बाद सिलाई का काम निपटाया, फिर खाना बनाया। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक बार कैसी बनी है। ये है स्कर्ट, ये मैंने चुन्नी से निकाली है, ये चुन्नी ग्रीन कलर की थी इसकी, और ये है इसका टॉप। टॉप इस तरीके का है, इसे इस तरीके से छोटा बड़ा गला कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सूट था, साउथ इंडियन, बड़े मन से सिलवाया था, बहुत प्यारा लगा पहनने पे। एक ही बार बस डाला है, वो भी एक दो घंटे के लिए, और बिल्कुल नया है। तो चलो ये भी काम आ जाएगा सिस्टर की बेटी के, वो भी अपनी बेटी है। और रात को 3 बजे सोई, बहुत मुश्किल से नींद आती है। जब से जॉब पे जाना छोड़ा है तब से सारे घर का रूटीन ख़राब हुआ है, ना सोने का टाइम है ना उठने का टाइम है। तो रात को 12-1 तो बज ही जाता है, तो रात को नींद आई थी करीब 3 बजे। 3 बजे सोई, फिर 4:15 बजे बेटे को पता नहीं कहाँ से वो एक लाल वाली बर्रैया होती है उसने काट लिया, उसको देखा तो उसको बर्रैया ने काटा। अब समझ में नहीं आया क्या करूँ, एकदम लाल पड़ गया और सूजन आ गई। फिर मैंने कहा चलो YouTube से देखते हैं, वहाँ देखा तो कोई कॉलगेट बता रहा था, कोई बेकिंग सोडा बता रहा था, उसमें लिखा हुआ आ रहा था। तो मैंने फिलहाल उसमें कॉलगेट लगा दिया रात के लिए। फिर सुबह उसको दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, फिर मैंने सुबह बर्फ़ से पहले सिकाई की, उसके बाद एलोवेरा घर में लगा हुआ था उसको तोड़ के उसका जेल निकाला, उसमें हल्दी पाउडर मिला के और उसका पेस्ट बना के लगाया, तो अब थोड़ा सा आराम है। बच्चों का ज़रा भी कुछ भी हो जाए ना तो बस माँ का तो दिल ऐसा होता है एकदम जान निकल जाती है, बच्चों के साथ कुछ भी हो जाए। तो वैसे अब ठीक है, तो बहुत हो गई बातें। और आप लोग हमारी दाल की रेसिपी कैसी बनी मुझे ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो को लाइक और एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।